ये क्लास 12th की रेगुलर क्लास है, इसमें आप प्रतिदिन बने रहिए। हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत ही स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। मैं चंदन सिंह आज आपको क्लास 12th की मैथ बालाजी पब्लिकेशन की बुक से बताने जा रहा हूँ, जिसका चैप्टर जो है आप व्यू है, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल जानकारी लेंगे, उसके बाद कल से हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। आप व्यू का क्रम या कोट या आपको कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा। यदि आप व्यू में m पंक्तियां हों तथा n स्तंभ हों तो इसे m इंटू n क्रम का आप व्यू कहते हैं। अब हम बता दें कि पंक्तियां कौन सी होती हैं। जो हॉरिजॉन्टली पड़ी होती हैं वो आपकी पंक्तियां होती हैं, और जो परपेंडिकुलर खड़ी होती हैं यानी कि लंबवत जो खड़ी होती हैं वो आपके स्तंभ होते हैं। अब आप क्या करते हैं कि पंक्तियों की संख्या जितनी होती है, जैसे 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं इसमें, तो 3 × उसके बाद आप देखेंगे आपके स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 तीन स्तंभ हैं, तो 3 × 3 3 × 3 का ये इसकी कोटि कह सकते हैं या क्रम इसका है। अब देखते हैं आप व्यू के प्रकार। आप व्यू के कई प्रकार होते हैं, इसमें कुछ प्रकार मैंने दिए हैं। पहला प्रकार है क्षैतिज आप व्यू, जिन आप व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आप व्यू कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पंक्तियाँ तो इसमें आपकी तीन हैं, सॉरी पंक्तियाँ इसमें आपकी दो हैं, एक ये और ये, और स्तंभ जो हैं आपके तीन हैं। तो ये कह रहा था कि आप व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, स्तंभों की संख्या तीन है और ये पंक्तियों की संख्या दो है, इसलिए क्षैतिज आप व्यू होगा। फिर अगला देखते हैं ऊर्ध्वाधर आप व्यू, जिस समूह में या जिस आप व्यू में व्यक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आप व्यू कहते हैं। तो इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या तो 4 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो हैं उनकी संख्या जो है वो कम है, तो इसलिए ये आपका ऊर्ध्वाधर आप व्यू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ग आप व्यू, जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वो वर्ग आप व्यू होता है, यानी कि जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ की संख्या जो है एक समान हो वो जो है आपका वर्ग आप व्यू होता है। जैसे इसमें 2 × 2 का है, ये आर्डर आपकी 2 × 2 की है, और ये आपका 3 × 3 आर्डर का है। अगला पंक्ति आप व्यू या पंक्ति सदिश, जिस समूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आप व्यू या पंक्ति सदिश कहते हैं। जैसे ये देखिए केवल इसमें केवल एक पंक्ति है, तो ए बी हो गया और ये ए बी सी हो गया, ये आपके पंक्ति आप व्यू हों, उनका आर्डर चाहे इतना हो, आर्डर की कोई बात नहीं होती है। अब स्तंभ आप व्यू, जिस आप व्यू में केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आप व्यू कहलाता है। जैसे देखिए एक स्तंभ है इसमें, और उसके बाद उसमें पंक्तियाँ चाहे इतनी हों तो ये आपका स्तंभ आप व्यू कहलाएगा। अगला व्यू है शून्य व्यू, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य व्यू कहते हैं। ये देखिए इसमें सारे पंक्ति सब कुछ जो है वो जीरो है। फिर अगला है विकर्ण व्यू, यदि किसी वर्ग व्यू में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण व्यू कहते हैं। जैसे इसमें देखिए आपका एक विकर्ण जो है, जो मुख्य विकर्ण जो है उनके तो मान दिए गए हैं, बाकी सब जो है वो जीरो हैं, जैसे ये देखिए। अब उसके बाद अगला देखते हैं अदिश आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों से तत्व शून्य हों उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। जैसे इसमें देखिए मुख्य विकर्ण जो है आपका वो समान है, और उसके बाद ये जो है बाकी सारे मान जो हैं वो जीरो हैं। इसी प्रकार से एक प्रचलित विकर्ण है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका मुख्य अदिश आप व्यू माना जा सकता है। फिर अगला देखते हैं
अव्यूहों का गुणनफल। यदि ए तथा बी दो अव्यूहों को हो तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए जैसे ये है एक दो तीन चार, ये आपका ए का मान हो जाए, फिर बी में कर दें एक तीन चार दो। अब इसमें आप करेंगे तो देखिए इसका आर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम होना है तो टू इंटू टू का है, और ये जो है ये भी आपका टू इंटू टू का है। अब ये देखिए ये लास्ट वाले जो मिल रहे हैं इसमें हम इसका गुणा आराम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है आपका एक दो तीन चार पाँच छ, फिर बी में आपने लिया एक तीन पाँच सात चार दो। अब इसका आर्डर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा थ्री इंटू सॉरी टू इंटू थ्री का रो इंटू कॉलम। अब यहाँ पर जब लेंगे तो ये आपको हो जाएगा थ्री इंटू टू का। अब इसमें देखिए ये लास्ट वाले पद जो हैं वो मिल रहे हैं इसलिए इसका हम गुणा कर सकते हैं।